दोस्तों, आज मैं आपके साथ बिना तेल, बिना घी और एकदम झटपट बन जाने वाली रेस्टोरेंट स्टाइल की एक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे आप स्टार्टर्स में भी खा सकते हो और जिसे हमें ना शाम की छोटी मोटी भूख के लिए भी खा सकते। और इसे बनाना इतना आसान है ना कि आप जब देखोगे तो आप यकीन नहीं कर पाओगे। आपको लगेगा कि इतना इंस्टेंट ये रेसिपी बन जाती है, तो क्यों ना हम भी इसे घर पर आसानी से ट्राई करें। जब हम इसे रेस्टोरेंट में ऑर्डर करते ना, तब हम यही सोचते कि ये कैसे बनी होगी और कैसे इसको बनाते होंगे। और यकीन मानिए, आप एक बार बनाओगे ना तो बार बार ये रेसिपी को बनाओगे। तो आगे बढ़ते हैं हमारी रेसिपी की तरफ और देख लेते हैं सामग्री। नमस्ते दोस्तों, पारुल भानुशाली की रेसिपी में आपका स्वागत है। अगर आपने अब तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दे और रोज नई रेसिपी के लिए बेल आइकन भी दबा दे। और हमने यहाँ पर आधा कप गेहूं का आटा लिया है। अगर हम वाटी लेते हैं तो सारा मेजरमेंट वाटी से भी ले सकते, तो मैंने ऐसी एक कटोरी ली है जिसमें आधा कटोरी गेहूं का आटा और एक कटोरी मैदा लिया है। और दोनों आटा को हमने अच्छे से छान लिया है और इसमें हम ले लेंगे स्वाद अनुसार नमक। और अभी हमने मैंड के लिए इसमें लिया है 2 चम्मच घी। आप चाहे तो यहाँ पर तेल का भी मैंड ले सकते हो, पर घी से है ना ये रेसिपी ज्यादा खस्ता और करारी बनती है। और हमें ना एकदम जैसे कि हम मुट्ठी में लेना उस तरह से इसका बाइंडिंग हो जाए उतना हमें मैंड लेना। मतलब कि हमने आधा कटोरी गेहूं का आटा और एक जो कटोरी हमने लिया है मैदा, तो उसके लिए हमने 2 चम्मच घी ले लिया था। और अभी हमें ना थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका एकदम अच्छा सा आटा बना लेंगे। और घी डालने के बाद भी हमें पहले बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया, ताकि जो घी है ना पूरे आटे में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और हमें एक साथ पानी को बिल्कुल भी नहीं डालना है। तो आप देख सकते हो कि हमने ना एकदम अच्छे से मुलायम आटा इसका बना लिया। यहाँ पर मुझे एक कटोरी जो पानी लिया था उसमें से आधा कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा इसमें पानी यूज़ हुआ है। मतलब कि जो हमारा 1.5 कटोरी जो पूरा आटा है ना, उसमें से आधा ही कटोरी हमें पानी की ज़रूरत हुई है। और आटा बन जाने के बाद इसमें फिर से हमने 1/4 टीस्पून के जितना घी लेके इसे बहुत ही अच्छे से स्मूथ कर लेना है। हम ज़्यादा जितना इसको मलेंगे ना, उतना ही ये रेसिपी का रिजल्ट हमें बहुत ही अच्छा मिलता है। अभी ये हमारा आटा तो रेडी है। अभी हम ये आटा को 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने रख देंगे, ताकि जो ये आटा है ना वो अच्छे से सेट भी हो जाता है और उसका रिजल्ट हमें बहुत अच्छा मिलता है। अभी 15 मिनट के बाद आपको इसका रिजल्ट दिखाती हूँ कि जो हमने है ना इसको रेस्ट करने रखा था, तो इसके ऊपर आप देखोगे ना सफ़ेद सफ़ेद से दाने दिखाई देंगे। मतलब कि वो होता है कि हमारा जो आटा है ना उसने अच्छे से रेस्ट कर लिया है और पानी को अच्छे से सोख कर लिया है। तो अभी हम जो है ना इसके मीडियम साइज के लोइया बनाएंगे। यहाँ पर मेरी टोटली 7 ऐसी लोइया बन जाएगी। मतलब कि मैंने आधा कटोरी गेहूं का आटा और 1 कटोरी मैदा लिया था ना, इसमें से मेरी नॉर्मल साइज की 7 लोइया बन जाएगी। मतलब कि 7 पेड़े बन जाएंगे। और अभी हम पेलपॉट के ऊपर या जो आपके पास चकला हो ना उसके ऊपर थोड़ा सा आटा स्प्रिंकल करके इसकी एकदम पतली सी रोटी की तरह बेलना है। हमें हो सके इतनी पतली ही रोटी इसकी बनानी है, क्योंकि हमने मैदा लिया है ना तो ये एकदम अच्छे से फैलते जाएगा। मतलब कि आप देख सकते हो कि ये स्ट्रेच होते जा रहा है। अभी हमने क्या किया है, गैस के ऊपर हमने उल्टी कढ़ाई रखी है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, हमने यहाँ पर सीधी कढ़ाई नहीं रखी है। हम यहाँ पर लो टू मीडियम फ्लेम पर उल्टी कढ़ाई रखकर उसे हल्का सा बटर से ग्रीस कर लेंगे। एकदम हल्का सा ही करेंगे, ताकि जो ये हमारी कढ़ाई है ना वो एकदम अच्छे से सेट है, तो उसके ऊपर हमारी जो ये रोटी है ना चिपक ना जाए। तो अभी आप देख सकते हो कि हमने ना तुरंत ही 20 सेकंड के अंदर ही इसकी है ना साइड चेंज कर दिए। और बहुत ही संभाल के हमें ये काम करना है, क्योंकि कढ़ाई जो उल्टी है ना वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है। और गैस की फ्लेम हम यहाँ पर लो टू मीडियम ही रखेंगे। और दोनों साइड अच्छे से पक जाने के बाद हम इसे ना एक साइड एक अच्छे से कॉटन के कपड़े से चारों तरफ से मतलब पका लेंगे। तो आप वीडियो में देख सकते हो कि मैंने ना
सारी जो कटोरी रोटी है ना उसे मैंने उल्टी कढ़ाई के ऊपर ही कॉटन के कपड़े से अच्छे से प्रेस करते करते एकदम अच्छे से पका लिया है। तो जो हम रेस्टोरेंट में ऑर्डर करते हैं ना मसाला कटोरी रोटी, तो वो हमने मिनटों में ही घर पे बना ली। तो अभी हमने रोटी तो बना ली है, तो इसके लिए हम करेंगे मसाला तैयार। तो उसके लिए मैंने लिया है 2 से 3 चम्मच बटर जो मेल्टेड है, और उसमें 1 चम्मच ले लिया मैंने चाट मसाला, और 1/4 टीस्पून ले लिया है लाल मिर्च का पाउडर, और 1/4 टीस्पून ले लिया है जीरा पाउडर। आप इसमें तीखापन कम या ज़्यादा भी कर सकते हो, और ये जो मिश्रण है इसे बहुत ही अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे ताकि जो चाट मसाला, जीरा और लाल मिर्च है ना हमारे बटर के साथ घुल मिल जाए, और बटर भी जो मेल्टेड है ना तो उसकी वजह से इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। पर इसे सर्व कैसे किया जाता है? इसे कभी भी प्लेट में सर्व नहीं किया जाता है, कोई भी ऐसी कटोरी हो ना उसके ऊपर ही रखा जाता है ताकि जो हमारी ये कटोरी रोटी है ना उसका परफेक्ट हमें शेप दिखाई दे, मतलब कि उसका लुक परफेक्ट दिखाई दे। जो हमने मसाले वाला बैटर रेडी किया है ना उसे हम थोड़ा थोड़ा सा ये जो हमारी कटोरी रोटी रेडी है उसके ऊपर अच्छे से फैलाते जाएंगे। आप चाहे तो यहाँ पर घी का भी यूज कर सकते हो। तो अभी हमने ना बटर तो अच्छे से फैला दिया मसाले वाला, तो उसके ऊपर बारीक कटा हरा धनिया भी फैला देंगे। आप चाहे तो यहाँ पर जो डिल लीव्स होता है ना उसको भी स्प्रिंकल कर सकते हो। तो रेडी है हमारी कटोरी रोटी, और वो भी मसाले वाली। तो आप इसमें मसाले का वेरिएशन चेंज भी कर सकते हो, जैसे कि आपको अगर काले मिर्च पसंद हो तो वो भी इसमें ऐड कर सकते हो। और यकीन मानिए दोस्तों, ये इतनी टेस्टी और इतनी करारी बनती है ना कि आप इसे एक बार खाओगे तो बार बार खाने का मन करेगा। तो अभी हमें ना इसमें से एक टुकड़ा तोड़ कर चेक भी कर लेंगे। आप आवाज़ तो सुन ही पा रहे हो ना, तो आशा करती हूँ कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो फिर जल्दी मिलेंगे और नई रेसिपी के साथ।